नमस्कार, मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं एमटीवी डे के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज के दिन प्रतिवर्ष विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य 22 मई 1992 को पारित किए गए नैरोबी एक्ट का पालन करना तथा इस संबंध में लोगों को जागरूक करना है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आधिकारिक घोषणा से पहले 29 दिसंबर को मनाया जाता था। जैव विविधता का तात्पर्य विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधों का अस्तित्व धरती पर एक साथ बनाए रखने से होता है। जैव विविधता की कमी से बाढ़, सूखा और तूफान आदि जैसी प्राकृतिक आपदा का खतरा बढ़ जाता है। पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने तथा खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने में भी जैव विविधता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज के दिन सन 1963 में भारत के पहले ग्लाइडर रोहिणी ने उड़ान भरी थी। ग्लाइडर वायुयान वायु से भारी यान होते हैं, जिन्हें उड़ान में उनकी लिफ्टिंग सतहों पर होने वाले वायु के गतिक प्रतिक्रिया द्वारा बल मिलता है। इस प्रकार ये यान उड़ान के लिए किसी मोटर या इंजन पर निर्भर नहीं होते हैं। अधिकतर इस प्रकार के यान इंजन रहित उड़ानों हेतु प्रयोग किए जाते हैं। कुछ ग्लाइडरों में इंजन लगे होते हैं, जिनसे उड़ान को लंबित किया जा सकता है। आज के दिन सन 1936 में लॉर्ड ब्रेबोर्न ने देश के पहले स्टेडियम की नींव रखी थी। पहले स्टेडियम ब्रेबोर्न स्टेडियम ने 1948 से 1972 तक टेस्ट मैचों की मेजबानी की और यह 1937 से 1946 तक बॉम्बे पेंटांगुलर मैचों का स्थान रहा। सीसीआई के साथ टिकट व्यवस्था को लेकर विवादों के बाद बॉम्बे क्रिकेट एसोसिएशन ने वानखेड़े स्टेडियम बना दिया। वानखेड़े स्टेडियम का निर्माण होने के बाद ब्रेबोर्न का उपयोग अब टेस्ट मैचों के लिए नहीं किया गया था। हालांकि मेहमान टीमों ने मैदान पर कुछ प्रथम श्रेणी मैच खेले। मैदान ने क्रिकेट के अलावा टेनिस और फुटबॉल मैचों के साथ साथ संगीत कार्यक्रमों की मेजबानी भी की है। आज के दिन सन 1772 में आधुनिक भारत के जनक कहे जाने वाले राजा राममोहन राय का जन्म हुआ था। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। वे ब्रह्म समाज के संस्थापक, भारतीय भाषाई प्रेस के प्रवर्तक, जन जागरण और सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रणेता तथा बंगाल में नवजागरण युग के प्रतामह थे। वे रूढ़िवाद और कुरीतियों के विरोधी थे, लेकिन संस्कार, परंपरा और राष्ट्र गौरव उनके दिल के करीब थे। वे स्वतंत्रता चाहते थे, लेकिन चाहते थे कि इस देश के नागरिक उसकी कीमत को पहचाने। 27 सितंबर 1833 को उनका निधन हुआ। आज के दिन सन 1545 में भारत में सूर साम्राज्य के संस्थापक शेरशाह सूरी का निधन हुआ। 1472 में जन्मा शेरशाह सूरी भारत में जन्मा पठान था। सूरी ने हुमायूं को 1540 में हराकर उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य स्थापित किया था। शेरशाह सूरी ने पहले बाबर के लिए एक सैनिक के रूप में काम किया था। पदोन्नति पाकर वह सेनापति और फिर बिहार का राज्यपाल बना। 1537 में जब हुमायूं कहीं दूर अभियान पर था, तब शेरशाह ने बंगाल पर कब्जा कर सूरी वंश स्थापित किया था। शेरशाह सूरी की मृत्यु युद्ध करते हुए तोप से निकले गोले के दुर्ग की दीवार से टकराकर वापस उसी पर गिरकर फटने से हुई थी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। और अब आज का राशिफल। आज का राशिफल ज्योतिष विज्ञानी गुरुदेव भारत ज्ञान भूषण जी के द्वारा 22 मई दिन शुक्रवार। आज के भाग्य की विषय वस्तु है सुख ऐश्वर्य। मेष, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 34%। कारोबार में वृद्धि होगी। यात्रा के योग हैं। आपको शत्रुओं के आतंक से छुटकारा मिलेगा। कार्यभार अधिक रहेगा, मन शांत रहेगा। उत्साह एवं पराक्रम में वृद्धि के योग हैं। शुभ रंग सफेद, नीला, निषेध रंग लाल सिंदूरी। कोरोना से बचाव बढ़ाएं सुप्रभाव ऐसे। अपने भोजन में कम से कम आधी रोटी गाय को दें। वृष, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 79%। मनवांछित स्थान पर ट्रांसफर के योग हैं। बेवजह के खर्चों पर नियंत्रण करें। आपको पारिवारिक समस्याओं से मुक्ति के योग हैं। कार्य क्षेत्र में अपने पराक्रम से समस्याओं को नियंत्रण कर लेने के योग हैं। शुभ रंग अल्ट्रा वाइट मल्टी कलर, निषेध रंग गुलाबी बसंती। कोरोना से बचाव बढ़ाएं सुप्रभाव ऐसे। श्री लक्ष्मी जी की उपासना करें। मिथुन, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 71%। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। आपके स्वास्थ्य पर ध्यान दें। संतुलित भोजन करें। आपकी पदोन्नति होने की संभावना है। कार्य क्षेत्र में प्रगति के योग हैं। शुभ रंग हरा सफेद, निषेध रंग पीला काला। कोरोना से बचाव बढ़ाएं सुप्रभाव ऐसे। जरूरतमंदों के भोजन की व्यवस्था करें। कर्क, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 77%। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और आमदनी बढ़ने के साथ साथ रुका हुआ पैसा भी मिलेगा। छात्रों को सफलता मिलने के प्रबल योग हैं। आपके खर्च बढ़े हुए रहेंगे। अधिक व्यय के कारण मन खिन्न रहने के योग हैं। शुभ रंग हर प्रकार के सफेद, निषेध रंग काला सलेटी। कोरोना से बचाव बढ़ाएं सुप्रभाव ऐसे। स्वच्छ धुले कपड़े ही पहने। सिंह,
आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 48% उपलब्धि एवं अवसरों की प्राप्ति के योग हैं। कार्यों में अनावश्यक अवरोध हो सकता है, परंतु यह सब अस्थायी है। विदेश के लिए इन दिनों में उत्तम योग हैं। किसी महत्वपूर्ण कार्य के पूर्ण होने से मन प्रसन्न होने के योग हैं। शुभ रंग सफेद, निषेध रंग लाल। कोरोना से बचाव बढ़ाएं सुप्रभाव, ऐसे सुगंधित वातावरण रखें। कन्या, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 78%। कार्य क्षमता के अनुरूप ही सफलता प्राप्त होगी। माता पिता की ओर से चिंता हो सकती है। कैरियर या कारोबार या फिर नौकरी में कुछ उतार चढ़ाव के दौर से गुजरते हुए कार्य क्षेत्र में सक्रियता बनाए रखनी होगी। भाग्य में वृद्धि के योग हैं। शुभ रंग हरा सफेद, निषेध रंग पीला लाल। कोरोना से बचाव बढ़ाएं सुप्रभाव, ऐसे घी और दही का दान करें। तुला, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 88%। समय शुभ है, लाभ प्राप्त होगा। नए लोगों के साथ व्यवसाय के अवसर बनेंगे। परिवार में आंतरिक कलह खत्म हो जाएगी। कार्य क्षेत्र में अनुकूलताएं बने रहने के योग हैं। शुभ रंग अल्ट्रा वाइट मल्टी कलर, निषेध रंग पीला लाल। कोरोना से बचाव बढ़ाएं सुप्रभाव, ऐसे कपूर अपने पास रखें। वृश्चिक, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 45%। स्वास्थ्य आदि की दृष्टि से कुछ परेशानी हो सकती है, ध्यान रखें। भाग्य आपके साथ है, समय अनुकूल चल रहा है, निवेश शुभ रहेगा। कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों से तनाव उत्पन्न होने के योग हैं। शुभ रंग सफेद, निषेध रंग सिंदूरी। कोरोना से बचाव बढ़ाएं सुप्रभाव, ऐसे शहद चाटें। धनु, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य और 49%। व्यवसायों को अच्छे एवं बड़े ग्राहक मिल सकते हैं। पूर्व में जो उधार दिया गया था उसकी प्राप्ति संभव है। योजनाबद्ध तरीके से लक्ष्य की ओर बढ़ें। बचत पर ज्यादा ध्यान रहने वाला है। जीवन साथी से तनाव उत्पन्न होने के योग हैं। शुभ रंग सफेद बसंती, निषेध रंग मस्टर्ड काला। कोरोना से बचाव बढ़ाएं सुप्रभाव, ऐसे अपनी माता व गाय की सेवा करें। मकर, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 80%। परिजनों के साथ मतभेद हो सकता है, भाग्य आपके साथ है, उसका लाभ उठाएं। आप कुशलता व होशियारी से असंभव कार्य को पूरा करेंगे। उद्यमशीलता एवं पहल करने की क्षमता बढ़ेगी। उत्साह एवं पराक्रम में वृद्धि के योग हैं। शुभ रंग काला सफेद, निषेध रंग लाल पीला। कोरोना से बचाव बढ़ाएं सुप्रभाव, ऐसे पानी अधिक पिएं। कुंभ, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 81%। कार्य की अधिकता रहेगी, परंतु गर्व का भी अनुभव होगा। समय अनुकूल है, जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। संबंधों में शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। जमीन जायदाद से संबंधित मामले भी सुलझने के योग हैं। शुभ रंग काला सफेद, निषेध रंग लाल पीला। कोरोना से बचाव बढ़ाएं सुप्रभाव, ऐसे चांदी ज्यादा पहने। मीन, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 46%। कारोबार में अनुकूलता बनी हुई है। आकस्मिक रूप से महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध होंगे। आपके कुछ काम दोस्तों और भाइयों की मदद से पूरे हो जाएंगे। आप स्वभाव से थोड़ा चिड़चिड़े, पदोन्नति के योग हैं। शुभ रंग सफेद, निषेध रंग पीला। कोरोना से बचाव बढ़ाएं सुप्रभाव, ऐसे पूजा स्थल का ध्यान करके सिर झुकाएं। सभी के लिए दिन का नकारात्मक प्रभावी समय प्रातः 10:36 से दोपहर 12:21 तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञानभूषण जी को 0121-266-888 या 0983-706-0046 पर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए IMT मीडिया।